दोस्तों आप देख रहे हैं साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मेलबोर्न गैलेक्सी 4 सेटअप बॉक्स। दोस्तों इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके पूरे फीचर्स के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं मेलबोर्न का ये जो ब्रांड लोगो है यहाँ पर बना हुआ है, मेलबोर्न HD MPEG 4 डिजिटल सेटअप बॉक्स। वहीं पर दोस्तों ये फुल HD 1080p सेटअप बॉक्स है, वाईफाई से भी चलता है, यूट्यूब भी है, फ्री टू एयर टीवी चैनल भी आपको देखने को मिलते हैं। सेटअप बॉक्स का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट दिस डिजिटल IT बॉक्स इज फॉर फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट चैनल्स ओनली, यानी कि जो फ्री टू एयर टीवी चैनल्स हैं उनके लिए है ये सेटअप बॉक्स। अब एक बेहतरीन सेटअप बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मॉडल है दोस्तों गैलेक्सी 4। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HDMI USB 2.0 का हब आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाता है। DD फ्री डिस, ABS फ्री डिस, YAML, YAHSET, BotherSET, HotBird, सारी की सारी सेटेलाइटों के टीवी चैनल आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसकी फुल HD 1080p के बारे में तो DD फ्री डिस पे HD TV चैनल चल रहे हैं और हाई डेफिनेशन के HD TV चैनल्स भी ये सेटअप बॉक्स सपोर्ट करता है। इसका H.264 है जहाँ पे आपको जो YAML सेटेलाइट के कुछ चैनल्स हैं और कुछ चैनल 65° ईस्ट पे चलते हैं वो चैनल सेटअप बॉक्स में नहीं सपोर्ट करेंगे। ऐसा सेटअप बॉक्स बहुत ही महंगा आता है जो 265 का होता है, वो फुल MPEG 4 ABC होता है। तो दोस्तों ये C&KU बैंड दोनों सेटेलाइटों पे ये सेटअप बॉक्स काम करेगा। बाकी ये जो चीज़ है ये चीज़ सबके लिए नहीं होती है, सभी इस चीज़ को नहीं चलाते हैं। 5000 टीवी चैनलों की कैपेसिटी है और पेरेंट्स लॉक की भी यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इस फीचर्स के बारे में। यहाँ पे जो फीचर्स है इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेलबोर्न गैलेक्सी 4 फुल कंप्लेंट विथ द DVB-S2 डिजिटल TV रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड्स सपोर्ट HDTV, HDTV, MPEG-2, MPEG-4, H.264 डिकोडिंग। तो यानी कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं दोस्तों अगर मैं ये पढ़ने लगेगा तो। दोस्तों अब यहाँ पे इसके इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं इस सेटअप बॉक्स में कुछ इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेलबोर्न की जो छतरी लगी हुई है वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों पैकिंग कुछ इस प्रकार से ये आता है। तो दोस्तों आइए इस सेटअप बॉक्स को हम ओपन करके आप लोगों को पूरी डिटेल दिखाते हैं। दोस्तों आप भी पा सकते हैं ये वाला सेटअप बॉक्स बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को फ्री में पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको कंटिन्यू पूरा देखना होगा, प्लस दोस्तों इस वीडियो को यहाँ से करना होगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहां से सब्सक्राइब वाले बटन से सब्सक्राइब करके और ये घंटी वाला निशान है और इस ऑल वाले निशान पे आपको क्लिक कर देना है। प्लस दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में और फेसबुक व्हाट्सएप पे कम से कम 50 लोगों में शेयर करना है। उसके बाद से दोस्तों आता है नंबर, हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है नाइस वेरी नाइस। अब दोस्तों हम इसको आप लोगों को यहाँ से ओपन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से ये ओपन होता है और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे फर्स्ट सबसे ऊपर आपको एक रिमोट मिल जाता है। दोस्तों इस रिमोट को दोस्तों साइड में रखते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑडियो वीडियो केबल। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों ये सेटअप बॉक्स कितना फर्स्ट क्लास यहाँ पे पैक है। तो दोस्तों ये जो मैंने बोला ये HDMI केबल है और मैंने बॉक्स को साइड में रख दिया है और अब दोस्तों यहाँ से मैं इसे खोलता हूँ। तो दोस्तों ये पन्नी लगी हुई है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही फर्स्ट क्लास ये पैकिंग में आता है दोस्तों ये सेटअप बॉक्स और इसकी पैकिंग दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होती है क्योंकि दोस्तों ये कंपनी की चीज़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों ये सेटअप बॉक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी पन्नी मैं छुड़ा देता हूँ आराम से और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है दोस्तों इसका डिस्प्ले है। ये जो दोस्तों है यहाँ पे पावर का बटन है, नॉर्मल बटन आपको यहाँ पर वो मेनू का मिल जाएगा और ओके का बटन ये है दोस्तों,
वॉल्यूम का अप एंड डाउन यानी कम ज़्यादा करने वाले और बटन्स, और उसके बाद से ये जो बटन्स है दोस्तों आप देख सकते हैं चैनल का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इस सेटअप बॉक्स की, जो ये सेटअप बॉक्स है, इस सेटअप बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे यूएसबी का हब आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे दोस्तों मेलबोर्न की ब्रांडिंग के साथ मेलबोर्न गैलेक्सी 4 MPEG-4 HD DVB आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों प्लास्टिक बॉडी में ये बॉक्स है, यहाँ पे इसकी जो गारंटी वारंटी जो सील होती है यानी कि जो ब्रांडिंग सील होती है कंपनी की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको एंटीना का, यहाँ पे LNB इन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और उसके बाद से USB का ऑप्शन, HDMI, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऑडियो वीडियो SPDIF और वीडियो का पोर्ट, और यहाँ पे दोस्तों स्विच का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है इसका पावर का प्लग है, और यहाँ पे दोस्तों ये प्लास्टिक बॉडी में कुछ इस प्रकार से आता है। इससे दोस्तों आप मोबाइल की भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसमें आप मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इतना बड़ा इसका जो वीडियो का कार्ड है ये लगा हुआ। अब पावर सप्लाई दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी पावर सप्लाई दोस्तों इस बॉक्स में लगी हुई है, तो मोबाइल से भी इस बॉक्स को कास्ट कर सकते हैं वाईफाई डोंगल लगा के। दोस्तों अब मैं इसके रिमोट के बारे में बता दूँ, इसका रिमोट कैसा है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेलबोर्न की पन्नी है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं रिमोट। रिमोट के बारे में दोस्तों हम क्या बताएं, रिमोट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये रिमोट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पावर का बटन है, म्यूट का बटन है, और ये सारे बटन्स हैं जो कि दोस्तों आपके पास आएगा, चैनल बदलने के हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, और यहाँ पे मेलबोर्न गैलेक्सी 4 की ब्रांडिंग के साथ ये बॉक्स आपको देखने को रिमोट मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये रिमोट भी है, और उसके बाद से दोस्तों ये रहा HDMI केबल। HDMI केबल की बात करें दोस्तों, HDMI केबल भी दोस्तों काफ़ी हार्ड है और अच्छा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को थोड़े बहुत जो इसके फीचर्स हैं मैं टीवी में चला के आप लोगों को दिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में को आगे देखते हैं हम लोग, और इसको हम आप लोगों को सेट करके दिखाते हैं। और का जो इसका बूट लोगो है कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, और अभी दोस्तों चैनल्स हमारे पास DD न्यूज HD, ये देख सकते हैं HD चैनल है हमारे पास, और ये चलने लगा। अब दोस्तों यहाँ पे मीनू बटन दाबते हैं, मीनू बटन दाबने पे दोस्तों हमारा जो इंटरफेस है इस बॉक्स का कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। एंटीना सेटिंग में तमाम तरह के सैटेलाइटों को दिखाया गया है, और उसके बाद से नीचे एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी। सिग्नल क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, प्लस दोस्तों इसको हम एग्जिट करते हैं, मोटर सेटिंग है, सैटेलाइट लिस्ट है, और टीपी यहाँ पे ऐड करके आप यहाँ यहीं पे आप सिग्नल भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इस सेटअप बॉक्स में दिया गया है। बात करें दोस्तों इसके सिस्टम इन्फॉर्मेशन में, तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन सभी देखना चाहते हैं। ME का ये जो कार्ड है, हार्डवेयर है, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट आपको नहीं करनी है, अपग्रेड नहीं करना है। ये है दोस्तों मोबाइल से आप इसे वाईफाई लगाने के बाद कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल की सारी चीज़ें ये सेटअप बॉक्स दिखाने लगेगा। अब यहाँ पे बातों बातों बता दें ये सेटअप बॉक्स मिलेगा कहाँ से। ये सेटअप बॉक्स हमारे पास मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्नैक का गेम है, व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड वगैरह में सेव की हुई चीज़ें आप देख सकते हैं, और उसके बाद से ये वाला ऑप्शन है, OSD सेटिंग्स है, तमाम तरह की सेटिंग है। तो एक बार इसे आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ये करेंगे थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी और हार्ड हो जाएगी। और इस सेटअप बॉक्स के बारे में बता दें, इस सेटअप बॉक्स के बारे में कोई वो नहीं है, ये सेटअप बॉक्स बहुत ही बेस्ट सेटअप बॉक्स है। पिक्चर क्वालिटी बड़ी से बड़ी टीवी में आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आने वाली है। अभी भी पिक्चर क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं इसकी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस सेटअप बॉक्स में। सेटअप बॉक्स दोस्तों बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। ABP गंगा लगाते हैं,
यहाँ पे क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं एकदम चिपक के पिक्चर क्वालिटी जो है वो आ रही है। और MRTB ये देखते हैं कौन सा चैनल है दोस्तों, ये देख सकते हैं MRTV है। और यहाँ पे ILOVE TV जहाँ पे सूर्या सिनेमा चल रहा है, ये पहले की यहाँ पे जो भी हैं चैनल्स डाले गए हैं। आपके पास जाए तो आप इसे स्कैन ज़रूर कर लें। बाकी दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमने वीडियो के ऊपर नहीं दे रखा है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे टाइटल पे क्लिक करें और हमारा जो है खुल जाएगा, और उसके बाद से वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरे भाइयों, मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।